हेलो गाइस, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू फोक ग्लोबल टीवी। और आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। आज यहाँ पे वैसे काफ़ी बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात में जैसे साइक्लोन आया है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बहुत बारिश हो रही है। एनीवे, जैसे आज आप वीडियो का टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। आज हम करने जा रहे हैं 24 आवर कुकिंग एंड ईटिंग माई ट्रेडिशनल फूड, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं रंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपने जितने हमारे यू नो ट्रेडिशनल फूड है, पारंपरिक व्यंजन है, उनको मैं आज बनाऊंगी और 24 घंटे वही खाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिशनल फूड। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो है चैलेंज वीडियो, तो देखते हैं मैं इस चैलेंज को कर पाती हूँ कि नहीं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ये देखने के लिए कि क्या मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं, आपको क्या लगता है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि यार ये फ्री है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिसे मैं बना रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए होगा आटा, नमक और पानी। आज मैं तिले कटो बना रही हूँ, और इसमें मैंने आटा डाल दिया है बर्तन में। उसके बाद मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें एक घोल बनाना है। और इसको मैंने पानी एक साथ नहीं डाला है, ऐसे आप भी इसे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा कभी भी अगर कोई घोल बनाना हो तो। अब ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना बने, तो इसलिए हम इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा बैटर इतना पतला होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है और थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया। अब उसमें हम बैटर को ऐसे हल्का सा फैला देंगे तवे पर। इसी तरह हमें इसे तवे पर अच्छे से सेकना है। और लीजिए, मेरा पहला तिले कटो रेडी है। तो आपने देखा ये इसे बनाना कितना सिंपल है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और साथ में मैंने चाय बनाई है। तो आज मैंने बनाया तिले कटो ब्रेकफास्ट में, और ये रहा मेरा नाश्ता जिसे मैं आज सिर्फ चाय के साथ खाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको पता है ये मेरा ना फेवरेट ट्रेडिशनल फूड है, मतलब मेरे को बहुत पसंद है तिले कटो। और अपने सारे ट्रेडिशनल फूड में से जब भी तिले कटो बनता है, यू नो, बचपन से बहुत खुश हो जाती थी। तो आज जो मैंने आपके साथ जो रेसिपी जो शेयर करी है, जिसकी मैंने कुकिंग करी है, ये ना बहुत सिंपल वाला तिले कटो है। और लेकिन मेरी मम्मी इसे और भी तरीके से बनाती है, तो एक दिन मैं उनकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक मैं इसकी मज़े लेती हूँ। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं भी ये काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ और ये अच्छा बना है। बस इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, वैसे सही है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने बिना सॉस और चटनी के भी खा सकती हूँ। आपको जो अगर चटनी या सॉस के साथ पसंद है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो अब लंच का टाइम हो गया है और मैंने डिसाइड किया है आज मैं बलब का साग बनाऊंगी। और रुके, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब इसको हम ना इस साग को बनाने से पहले आधा घंटा या एक घंटा भिगो के रखेंगे।
हमारे वहाँ एक फसल होती है जिसे बै कहते हैं और इससे बनने वाले आटे को शिले कहा जाता है, जिसे हिंदी में फाफर भी कहते हैं और इंग्लिश में बकवीट। उसी का पौधा जब छोटा होता है उसकी पत्तियों से सब्जी बनती है और ऑफ सीजन में खाने के लिए इसे सुखा के रखते हैं। मैंने इसे 2 बार साफ़ पानी से धो दिया है और अभी फ़िलहाल मैं इसे छान रही हूँ, क्योंकि सूखी पत्तियाँ, इसलिए इसको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारा साग, मिर्च, नमक और गेहूं का आटा। तो मैं अभी ऑयल ऐड कर रही हूँ सरसों का, और अभी हम डालेंगे मिर्च। मैं कितना डर रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे फ्राई करते हैं तो। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हमारा साग, अब इसे अच्छे से हमने भूना और उसमें नमक ऐड कर दिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब आटा और पानी का हम एक घोल बनाएंगे और उसे भी हम मिला लेंगे। फटाफट इसे हम स्टर करके बॉईल करेंगे। साथ ही साथ अब मैं अपने चावल भी पका रही हूँ और लास्ट में गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर दिया है। तो हमारा लंच तैयार है और अभी मैं लंच करने जा रही हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको इसके बेनिफिट्स ज़रूर बताना चाहूँगी ब्रीफली। इंग्लिश फाफर को बकवीट कहते हैं और बकवीट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। बकवीट में कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसमें ना कई गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है कंपैरेटिवली जैसे नॉर्मल आटा या गेहूं के आटे से या राइस के मुकाबले। तो बकवीट में तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ये ही मैं आपको बताना चाह रही थी। अब टेस्ट करते हैं कि मैंने इसे पहली बार बनाया है, लेट्स सी कैसा बनाया। अच्छा बनाया। आप भी इस साग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा हो सके तो। तो स्नैक्स का टाइम हो गया है और मैं आज बनाऊंगी बारी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 24 आवर्स खा सकती हूँ, बट मैं उससे पहले आपको बता दूँ ये को हिंदी में कहते हैं सत्तू। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कहते हैं हमारे वहाँ सत्तू को। थोड़ा सा डिफरेंस है बोलने में, बट सुनने में सेम सुनाई देता है और मीनिंग दोनों की अलग अलग है। और हमारे वहाँ ये यानी कि सत्तू से बारे बनाया जाता है। आज मैं चने और जौ के आटे से बारे बनाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए घी और गरम पानी। तो बस सबसे पहले हम सत्तू लेंगे, बर्तन में घी ऐड करेंगे। अरे चीनी भी तो है, तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब हम गरम पानी से और अच्छे से सत्तू को मिला लेंगे और इसमें भी धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। बस कुछ ही देर में हमारा सत्तू तैयार हो जाएगा, तो इसे बनाना बहुत आसान है। और आज मैंने जो सत्तू को शेप दी है वो ऐसे छोटे छोटे लड्डू जैसे दी है, और साथ में मैंने चाय भी बनाई। तो अब जाके मुझे मेरा अपना चैलेंज 24 आवर कुकिंग एंड ईटिंग ट्रेडिशनल फूड ये कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। और डिनर के लिए भी मैंने सोच रखा है कि मैं क्या बनाऊंगी। हैं यार कैसा बनता है, और आपको तो पता ही होगा ये सत्तू को आपने खाया होगा अगर तो। मोस्टली लोग मैंने देखा है हमें नॉर्थ इंडिया में लोग ऐसे घोल बना के सत्तू को खाते हैं, स्पेशली गर्मियों के समय, लेकिन ऐसे भी खा सकते हैं। ये थोड़ा हिमालयन तरीका है, पहाड़ी तरीका है। कैसा लगा आपको सत्तू का रेसिपी मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर। तब तक मैं इसे खाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया गेहूं का आटा और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब मैं पानी मिला के आटा गूंदूंगी। तो ये लीजिए, मेरा आटा गूंद चुका है और ये मैंने
टाइट गूदा है। अब मैं यहाँ चारों ओर सरसों का तेल लगा दिया है आटे में और एक बर्तन पे पानी लिया है, उसमें मैं नमक ऐड करूँगी। ध्यान रहे ज़्यादा नमक ऐड मत करिएगा अगर आप बनाएंगे तो, क्योंकि आटे में भी नमक ऐड किया है। अब मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सरसों का तेल डाले। अब मैंने मम्मी की मदद ली यहाँ पे और हम कुछ इस तरह से नूडल्स की शेप देंगे, देख सकते हैं आप। मैंने पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया है और हम अब इसे फटाफट से ऐसे शेप देंगे। A few moments later. अब ये बॉईल हो चुका है। अब बॉईल होने के बाद मैं इसे दूसरे बर्तन में खाली कर रही हूँ और फिलहाल मैंने इसे पानी से धो दिया है। अब हमें चाहिए टमाटर, प्याज और ये बनाया है पेस्ट मैंने लहसुन, मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया का, और ये है हमारे पास हरा धनिया। और साथ में मैंने लिया है जम्बू, ये छौंकने का काम आता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये है दही, जिसे हिंदी में थोया भी कहते हैं, आप नॉर्मल जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है, तेल के गर्म होते इसमें दही यानी कि थोया डाला और उसके बाद मैंने जम्बू ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि वो हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। उसके बाद मैं पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मसाला हम डालेंगे, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, और हल्दी। और अब मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ, अब इसे हम गलने तक पकाएंगे। और ऐसे ही आप मसाले को चलाते रहना, इससे वो जलेंगे नहीं। और साथ में मैं आप ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, और ये बर्तन मैंने वही पेस्ट वाला यूज़ किया है तो इसलिए वो आपको हल्का सा पेस्ट जैसा दिख रहा है। और अभी मैं आधा धनिया डालूँगी। और इस मसाले को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हम अपने नूडल्स डालेंगे। अब हम नूडल्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और लास्ट में मैं बचे हुए धनिए से गार्निश कर रही हूँ। डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर भी हमारा रेडी है। रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर करी थी और देखिए मैं अभी थोड़ी तैयार भी हो गई हूँ और मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। वरना लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत ऐसे ही मन नहीं था, क्योंकि पूरे समय मेरे को कुकिंग ही करनी थी, इसलिए मैं ज़्यादा सुपर रेडी नहीं हुई। बट एनीवे अभी मैं ऐसे तैयार हो गई हूँ। और खाने की मैं बात करूँ तो इसे हम लोग कहते हैं चैम्पियन। ये हमारी रंगलों में है, ट्रेडिशनल फूड है। और जैसे कि आपने देखा होगा ये पूरा ना नूडल्स जैसा है, तो मैं इसकी रेसिपी भी नूडल्स की तरह है, तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये हिमालयन नूडल्स है। बस फ़र्क ये इतना है कि इसे हम लोग खुद यू नो अपने हाथों से बनाते हैं और इंस्टेंट नूडल्स है ये बिल्कुल। सबसे खास बात यार ये आटे का बना है तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी, स्वादिष्ट तो ये होते ही है, मैं बचपन से खा रही हूँ। तो आज मैंने आपसे ये रेसिपी भी शेयर करी और साथ साथ में ये चैलेंज भी इसके साथ पूरा हुआ। और चलिए मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये। अमेजिंग, बहुत डिलीशियस है सीरियसली।
वाकई में मुझे मन तो करा कि मैं इसे खाती ही जाऊं, बट आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज का चैलेंज कैसा लगा आप सबको मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब फोक ग्लोबल टीवी। सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। और अगला चैलेंज किस पे चाहते हैं या वीडियो किस पे चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर। आज का चैलेंज मुझे भी काफ़ी मज़ेदार लगा, क्योंकि 24 घंटे मैंने पहली बार ऐसा हुआ है अपनी लाइफ में कि मैंने हर चीज़ ट्रेडिशनल फूड बनाई भी और खाई भी। टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है किया था। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट वेट गाइस, जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, आज 24 घंटे मैंने कुक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट यू नो हमारे घर की औरतें या जो भी हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमें फीड करते हैं, हमें उनके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। और सो आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मदर कि वो हमारे लिए 24 घंटे और साल के 365 दिन वो हमारे लिए खाना बनाती है। इस वीडियो से सभी माताओं को मेरा नमन और बहुत बहुत थैंक यू, एंड पर्सनल थैंक यू टू माई मदर फॉर बींग सच अ वंडरफुल मदर। थैंक यू सो मच मम्मी। ओके गाइस, यही मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाह रही थी। मदर्स डे भी कुछ ही समय पहले बीता है, बट ध्यान रहे मदर्स डे सिर्फ उस एक खास दिन के लिए नहीं होना चाहिए। हर दिन मदर्स डे है, मदर्स हमारे लिए कितना कुछ करती है, और हमें भी कुछ छोटा छोटा अपने माताओं की घर में हेल्प करनी चाहिए, फिर चाहे वो कितनी छोटी हो या कितनी ही बड़ी। प्रयास करते रहना चाहिए हम अपनी माताओं को खुश रखें और उनकी हेल्प करें। तो एक छोटा सा मैसेज, ये बहुत पर्सनल मैसेज था, और क्योंकि मैं यार सारा दिन मैं किचन में रही, काम किया तो काफ़ी थक भी गई थी, बट एनीवे मुझे बहुत मज़ा भी आया। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में।